अरे ये ताक क्या ताका झाकी चल रही है, चलिए बाहर बाहर चलिए। अरे साहब आएंगे तो भड़केंगे। भैया को अंदर ही ना बैठे, बात करने दीजिए। अरे अंदर नहीं है, चलो बोला चक्कर काट रहे, हमारा काम नहीं हो रहा है। अरे वो सरकारी बाबू है, कोई तुम्हारे नौकर है? चलो कुछ नहीं सुना, हम बात करेंगे, देखते हैं तुम्हारा काम कैसे होता है। सर 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 एक मिनट मेरी फाइल देख लीजिए, सर हम बहुत दूर से हैं, एक बार फाइल देख लीजिए। साहब ये मोबाइल में देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर है, ये देखो। सर प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। तू अंदर कैसे आ गई, चल बाहर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ये बात आपके फायदे की है, अगर फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फायदा कोई और उठा लेगा। नहीं नहीं फायदा हम ही उठाएंगे। साहब को अच्छे से खुश कर देना, अंदर किसी को आने मत देना। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र का बांध टूट जाए तो फल उतना ही कड़वा होता है। आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? बटरफ्लाई इफेक्ट वो है जब कहीं एक छोटी सी चीज कहीं और किसी और बड़े काम को अंजाम दे दे। हमारी आज की कहानी का हश्र भी कुछ इसी प्रकार का है। हमारी आज की कहानी है गौरी शुक्ला की, जो पैदा तो गरीब हुई थी लेकिन उसने ठान लिया था कि अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकालेगी, अपनी मेहनत से, हिम्मत से। वो न सिर्फ रोज अपने हालातों से लड़ रही थी बल्कि अपने मोहल्ले की एक अंधेरी गली के शैतान से भी लड़ रही थी। कौन था वो शैतान और क्या हुआ गौरी के साथ, आइए देखते हैं। इतने लेटर्स लिख दिए, इतने बार ऑफिस जाकर आ गए, फिर भी म्युनिसिपल पॉलिटी से ना एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाएगी यहाँ पे। अरे तो उनको कौन सा रोज हमारी तरह आना जाना पड़ता है अंधेरे में। अरे प्रिया तू जल्दी चलेगी, एक ना एक दिन तो हमारे हाथ में आ जाओगी, है कि नहीं बबलू? क्या मतलब है क्या? हाँ नुकसान हो जाता है वो। चाचा आपसे नहीं होता क्या नुकसान, क्यों छोटी सी बात के लिए लड़े जा रहे हो? छोटी सी बात, बहुत बड़े आदमी लगते हो, 1200 रुपए का नुकसान तुमको छोटी सी बात लग रहा है? अरे क्या हो गया है, किस बात का हंगामा हो रही है, क्या हुआ? अरे मैडम देखो ना आपके पापा कैसे हंगामा मचाए हुए हैं। इतने काम में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। अरे बिटिया पूरा टाइल्स का डब्बा गिरा के तोड़ दिया। हाँ तो हो जाता है ना। अरे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है? पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक रुपए के लिए? एक तो इतनी दूर काम पे जाना पड़ता है, रोज रात को अंधेरी सड़क से वापस आना पड़ता है घर, एक तो नुकसान कर दिया और ये अकड़ किस बात की? हाँ मैडम हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो 8 दिन के काम को 10 दिन लगा दियो, ऊपर से नुकसान और तेवर देखो। पापा रुक जाओ, रुकना देखो ऐसा है आप लोग जा सकते हैं, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना। क्या पर काम तो अभी बाकी है। वो हम देख लेंगे हो जाएगा। और हमारी दिहाड़ी और जो टाइल्स तोड़ी उसका हर्जाना? मैडम सही नहीं कर रही हो, मैं आपको बता रहा हूँ अगर हमें बीच काम से निकाला ना तो किसी और को काम नहीं करने देंगे यहाँ। बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे, गुंडे हो गए कहीं के? एक तो नुकसान किया, दिहाड़ी चाहिए ना। रुको ये लो पकड़ो 500, निकलो यहाँ से निकलो, हमें आपसे कोई काम नहीं करवाना, जा सकते हैं आप लोग। चलिए पापा चलिए आप जाइए, चलिए। माँ माँ आ गई मैं, कहाँ हो? अरे भैया
भैया आ रहे हैं, आ रहे हैं। काहे चिल्ला रही हो? लो पानी पियो। पानी वानी छोड़ो, पहले आप बताओ आपने इन्हें बाहर क्यों जाने दिया? क्यों? पता है ना इन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे गांव के सामने ना सीना फुलाए घूमते हैं। और पता है क्या कहते हैं? बता दे। का बता दे? कहते हैं कि हमारी हिम्मत दुगनी हो गई है जब से हमारी लड़की हमसे ज्यादा कमाने लगी है। क्या पापा, आप भी? क्या जरूरत है सबको बताने की? काहे ना बताए, बोलो। 20 साल से चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, और हमारी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपए, और तुम्हारी 15,000 रुपए। अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी जो है ना, ये हमारा सहारा है, हमारी हिम्मत, हमारा गर्व। एकदम सही कह रहे हैं आप। अब आप दोनों मुझे रुलाओ दोगे? माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ खाना बन गया, जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, हम लगाते हैं खाना। ठीक है चलो। सोहन सुमन आ जाओ, खाओ खाना खाते। ए सोहन, आज से तुम मेरी इज्जत किया करो, मुझे चिढ़ाया मत करो, समझा? क्यों, किस खुशी में? मैं तुझसे ज्यादा कमाने वाली हूँ, इसलिए। जैसे दीदी पापा से ज्यादा कमाती है। आई बड़ी छिपकली, तुझे कौन काम देगा बे? अरे क्यों नहीं देगा, अरे आजकल बिटिया लोगी तो देश दुनिया चला रही। समझा? आज से तो मुझे सुमन जी बुलाया कर। अब खाना खा। अरे तुम दोनों कहीं अपनी सीट एडजस्ट करके बैठ जाओ ना। अरे हम ठीक है, तू बैठ ना। ए! ए! पागल है क्या? अब क्या कूद जाओगे हमारे ऊपर? सॉरी मैडम जी, ब्रेकर आ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ब्रेकर था? गोरी छोड़ ना यार, छोड़ दो। वैसे गोरी मैडम को गुस्सा बहुत आता है। इस आदमी को ना एक दिन पुलिस स्टेशन में दे देंगे। हाँ दे देंगे, अभी शांत हो जाता। को शाम को देखता हूँ। चल। जी सर। जी सर, हम आपकी ये प्रॉब्लम 3 दिन में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आप हमारे कंपनी के वैल्यूएबल कस्टमर हैं, तो हम आपके प्लान पर आपको 5 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। जी सर, नेटवर्ल्ड में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वेरी गुड गौरी, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। इसी तरह कस्टमर को हैंडल करना है, प्यार से, सॉफ्ट स्पोकन के साथ। अच्छा गौरी, तुम इन्हें ट्रेन करो। ओके सर। ओके प्लीज कम। यार आज 4 सैटरडे, सबको ऑफ रहता है, देख ना पूरा रास्ता खाली है। यार प्रिया जल्दी चलना यार। हाँ बाबा आ तो रही हूँ। नहीं रह रहे हो बस, हम ला नहीं सकते यार। मोहन काका, मोहन काका, मोहन काका, काका। क्या हुआ निर्जा? काका वो गाड़ी को उठा के ले गए काली गाड़ी में। किस तरफ? वो उस गली से उठा के ले गए। रमेश तू एक काम कर, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। जी जी। बेटा तू गौरी के घर जा और सब कुछ उनको बता, जल्दी जा। ए, ए, गाड़ी निकालो, चल जल्दी। पहली बार तू सही जगह से भजिया लेके आया। सर नई दुकान खुली है। बढ़िया बढ़िया। हाँ रमेश बोलो। क्या कब? अच्छा ठीक है ठीक है, हम साहब को बताते हैं। साहब गांव में एक लड़की अगवा हो गई। चलते हैं ना, फिर तो खत्म कर लेते हैं, गरम गरम है। लगता है बहुत दूर निकल गए हैं। तुम इस तरफ से देखो, हम यहां से देखते हैं। चलो 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 चलो।
यहां से तो रास्ता बंद है, लगता भाग गए। चलो वापस। चुप कर जा, बचा बचा बचा। कैसे छोड़ दे छोरी, कैसे कैसे छोड़ दे, बड़ा कांटे का शौक है ना, बिना बदला लिए कैसे छोड़ दे। चाची बोलो गौरी को उठा के ले गए काली गाड़ी में से। चाचा जी वो गौरी, 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 गौरी। अरे पुलिस कहाँ रह गई अब तक? आधे घंटे पहले फोन करे रहे, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। आधा घंटा? पता नहीं हमारी गौरी को कहाँ तक ले गए होंगे वो लोग। गाड़ी साइड में लगा, गाड़ी साइड में लगा, दारू लेनी है। भाई गाड़ी रोक ले, चकने दारू को यार मजा नहीं आएगा। वो पान की टपरी में दारू मिले है, लगा गाड़ी साइड में लगा लगा ला। मैं दारू लेके आता, लेकर आ जल्दी। बैठ जा। चार टर्रा निकाल। चुप हो जा। किसने फोन किया था? किस लड़की बागी है? क्या बात कर रहे हैं साहब, बागी नहीं उठा कर लेके गए। अरे साहब एक घंटा देरी से आए आप, ये क्या तरीका हुआ साहब? मास्टर जी पुलिस है हम, बहुत काम होता है हमारे पास, पर ये तरीका बाद में बताना, पहले बताओ हुआ क्या था। सर हम नीरजा सर, हमारी दोस्त को उस गली से उठा के ले गए। अब हम लोग वहीं से रोज गुजरते थे, वो लोग रोज हमें छेड़ते थे सर। तुम तीन थे ना, तो बचा नहीं सकते तुझे। और वो दूसरी लड़की कहाँ है, क्या नाम है उसका? प्रिया का है वो? साहब साहब वो मेरी बेटी है साहब, वो डर गई है, घर में रो रही है। साहब ये सब बात नहीं पूछ लेना साहब, पहले हमारी बेटी को बचाओ साहब, पहले जाओ। आपके पाँव पड़ गए साहब, लड़की को बचा लो, वो लोग उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे साहब। तुरा जितना चिल्लाएगी उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अबे तू ये क्या कर रहा है यार, ये प्लान नहीं था अपना, प्लान कुछ